सर फिंगर फोटो वीडियो कितनी बाहर चलिए चले हो निकाले जाओ निकाले दो नहीं गेट पे यहाँ नहीं अंदर 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 जरूरी है आओ अंदर दिक्कत आ जाएगी ये क्या है सुशील जी क्यों वो कर रहे हैं सर सुशील जी आप आओ ना सर अरे पीछे करो और बाहर चलो गेट छोड़ के आराम से गेट छोड़ के चलो वेरी गुड सब पीछे ध्यान रखो ये छोड़ के लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो यार तुम चलो सब लोग और आगे इसके 50 फीट दूर वहाँ उस कोने पे करेंगे उंगली दिखा दो एक बार चलो अब सब लोग थेट वहाँ छाया में खड़े होंगे धूप में नहीं सब लोग पीछे सब अरे भाई वहाँ पे फोटो करना चलो पीछे पीछे लास्ट तक वहाँ छाया में चलो लोगों को सर आप मेरे और पीछे छाया में बिल्कुल पीछे छाया में सब शेड में आराम से मैं तुम्हारे साथ हूँ 15 मिनट तक बस सर आप ऊपर खड़े हो जाइए मैं वहाँ खड़ा हूँ ऊपर अरे ऊपर खड़े होंगे सर ऊपर अरे ऊपर को आंदो यार सब नीचे चलो मैं आ गया ऊपर चलो नीचे सब नीचे चलो आराम से आराम से इजी हो जाओ भाई इजी हो जाओ नीचे 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 आप भी नीचे आ जाओ सब लोग नीचे आ जाओ भाई तोड़ दो आप आराम से सब लोग नीचे आ जाओ अरे गॉड साहब आइए ऐसे क्यों कर रहे हो यार Why don't she come? ये नहीं यार सबके ऊपर है ना तो सबके ऊपर है ना वो देखो ना यार मोबाइल सेट कर ले यार मैं तो ये लो नीचे कैसा करूं लोकतंत्र के फोरम पर मतदान किया गया है बस ये मैं गहलोत साहब से सीखा ठीक है सर आप लोग पूछते हो ना कई बार कि क्या सीखे मैं ये सीखा कि उसको ऐसे नीचे करें चलो हाँ बता आराम ठीक है सर आज के लिए क्या कहेंगे आप बताइए देखिए आज का दिन लोकतंत्र के लिए भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है जहां एक तरफ 4 से 14 के बीच में देश अपना आत्मविश्वास खो करके
एक कमजोर देश है ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो चुका था। पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदम ताल कर रहे हैं और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। 400 पार की बात की क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए, निश्चित रूप से 400 पार होगा। मैंने पहले भी कहा है, जब हमने 272 की बात की थी और उस दिन मैं मतदान करने आया था तब भी आप लोगों के प्रश्न थे और मैंने कहा था निश्चित 272 होगा। 2019 में जब हम मतदान करने आए थे तब भी आपका प्रश्न था कि क्या 25 सीटें जीत पाएंगे और क्या जोधपुर की सीट आप जीत पाएंगे और क्या 300 के पार होगा। आपके सामने परिणाम तीनों जगह हुआ। इस बार भी ये निश्चित मान करके चलिए, जोधपुर हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे और देश में अब की बार 400 के पार होगा। ठीक, धन्यवाद।